होली का टाइम है और ऐसे में हम अपने घरों में मिठाइयाँ तो बनाते ही हैं। तो आज मैं आपके लिए जिस मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ उसे कहते हैं सूजी के लड्डू। कहीं कहीं पे इसे सूजी के चूरमा लड्डू भी कहते हैं। बहुत ही आसान है ये मिठाई बनाना। घर पे रखे कुछ ही इंग्रेडिएंट से बहुत आराम से बन जाती है और काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो चलिए हम अपनी ये टेस्टी और ईजी सी चूरमा लड्डू की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सूजी के लड्डू में सबसे इम्पॉर्टेंट है सूजी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी ले ली है। ये सूजी कैसे भी हो सकती है, चाहे आप मोटी सूजी लीजिए, पतली सूजी लीजिए, जैसे भी आपके घर पे अवेलेबल हो। तो इस सूजी को गूंथने के लिए सेम कप से नाप करके मैंने ले लिया है 1/4 कप दूध। तो आप कोई 1 कप मेजरमेंट के लिए रख लीजिए और सारा नाप उसी कप से लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी और 1/4 कप दूध ले लिया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इस सूजी को हल्का सा गूंथ लेंगे। तो चलिए अब हम इसे हल्का सा गूंथ लेते हैं। दूध यहाँ पे मैंने हल्का सा गरम लिया हुआ है, बिल्कुल ठंडा दूध आप ना लें और ना ही बिल्कुल गरम। तो लूक वार्म है हमारा दूध और थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो इसे हमें आटे की तरह नहीं गूंथना है, बस अच्छे से मिक्स कर देना है। तो सूजी काफ़ी सारा दूध सोख कर लेती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हम दूध डालेंगे ताकि हमारा दूध ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही इतना कम हो कि सूजी बिल्कुल कड़ी हो जाए। तो ये देखिए, ऐसे अच्छे से डाल करके थोड़ा थोड़ा दूध मैं डाल रही हूँ, जितना आपको लगे, रिक्वायरमेंट लगे। अगर आपको लगता है कि दूध कम पड़ रहा है तो थोड़ा दूध आप और ले सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि दूध ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा कम दूध भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि सूजी पे डिपेंड होती है। कोई कोई सूजी ज़्यादा पानी पीती है और कोई कोई थोड़ा कम। तो ये देखिए, इतना मैंने डाल दिया है। और आप भी, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत गीला है, पर इसे हम 1/2 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और फूलने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, इतना दूध मेरा इसमें बच गया है। तो दूध आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपकी सूजी में कितना लगता है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देते हैं। कम से कम हम इसे 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने ढक दिया है और अब हम इसे 1/2 घंटे बाद चेक करेंगे। 1/2 घंटा हो गया है, तो चलिए अब हम अपनी सूजी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये फूल गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले ये देखने में कितना गीला लग रहा था, पर अब ये काफ़ी हद तक आटे के जैसा हो गया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे और उसके बाद हम इसे घी में थोड़ा सा सेंक लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है और हाथ पे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, और हाथ को आप चाहें तो घी या फिर पानी से भी ग्रीस कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके मैं टिक्की बना के रख रही हूँ। आप चाहें तो टिक्की बना करके तुरंत ही घी में डाल करके इसे तल लीजिए, क्योंकि ये हल्का सा गीला होता है तो प्लेट में चिपकने लगता है। तो ये देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ कि टिक्कियाँ बनानी कैसे हैं। इस तरीके से आपको टिक्कियाँ बनानी हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच घी के डाल दूंगी। तो बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं लगता है, बहुत ही कम मात्रा में घी का यूज़ करके हम बहुत ही अच्छी सी ये मिठाई तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी टिक्कियाँ। तो ऐसे जो टिक्कियाँ मैंने बनाई हैं, एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी। फ्लेम को हम यहाँ पे लो मीडियम रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेकना है और दोनों तरफ से बिल्कुल कुरकुरा हो जाने तक सेक लेना है, यानी गोल्डन ब्राउन कर देना है। तो ये देखिए, टिक्कियों की शेप ज़रूरी नहीं है कि आप शेप कैसे बनाएं, किसी भी शेप की हो सकती हैं आपकी टिक्कियाँ, पर बहुत ही ज़्यादा मोटी या बहुत ही ज़्यादा पतली ना बनाएं। तो ये देखिए, इस तरह से करके हम लो मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से इन्हें सेक लेंगे। तो थोड़ी देर तक आप इसे बिल्कुल भी टच ना करें, जब एक तरफ से ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे पलटें। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा पीछे की साइड से गोल्डन ब्राउन हो रहा है। तो अब मैं इसे एक एक करके ऐसे पलट दे रही हूँ। ये देखिए, कितना सुंदर ये लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बहुत ही कम घी में आप बहुत ही अच्छा सा एक लड्डू या मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेक लूँगी। फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से लगातार पलटते हुए सेक लेंगे।
तो ये देखिए ये यहाँ पे हो गया है, दोनों तरफ से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं एक एक टिक्की ऐसे करके निकाल ले रही हूँ। ये देखिए सूजी बहुत ज़्यादा जो है तेल या घी एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसमें जो बचा हुआ घी है इसमें हम अपने बाकी के जो सूजी के टिक्कियाँ हैं वो भी तल सकते हैं। ये देखिए तो सारी टिक्कियों को मैंने तल लिया है, इसमें थोड़ा सा घी मुझे और लगा था। तो अब ये बाकी का जो बचा हुआ घी है इसमें हम अपने ये ड्राई फ्रूट्स तल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स अपने मन के मुताबिक आप ले सकते हैं, आपको किस क्वांटिटी में चाहिए या कौन कौन से चाहिए। यहाँ पे मैं बादाम, काजू और पिस्ता ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और इन्हें हम बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से सेंक लेंगे। ड्राई फ्रूट्स जब हम सेंक करके लड्डू वगैरह में डालते हैं तो उससे हमारी मिठाई के ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर हम ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो बहुत लंबे समय तक ये मिठाई नहीं चल पाएगी। तो हल्का हल्का सा हम इन्हें सेंक लेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रख करके हमें सेंकना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स हमारे जल जाएंगे। ये देखिए अच्छे से हम इन्हें सेंक लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे सिक गए हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। और अभी भी इसमें काफ़ी घी बचा हुआ है, तो ये घी हम ऐसे ही रहने देंगे, जब हम लड्डुओं को बांधेंगे तब हमारे काम आएगा। तो हमने जो टिक्कियाँ बनाई थी वो भी यहाँ पे हल्की सी ठंडी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ही ठंडा करना है, और उसके बाद हम इन्हें ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। ये देखिए क्योंकि ये थोड़ा कड़ा होता है तो मिक्सी में ऐसे खड़ा डालने पर ये पिसाएगा नहीं, तो इन्हें हमें ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। तो ये देखिए मैंने ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो अब हम इसे मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पीसूंगी, एक साथ में बहुत सारा डाल के नहीं पीसूंगी, नहीं तो इसमें बहुत सारे बड़े चंक्स रह जाएंगे। तो ये देखिए आधा मैं अभी पीस रही हूँ और आधा थोड़ी देर बाद पीसूंगी, पर इनका हमें बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा सा ही इन्हें रखना है। तो चलिए अब हम इन्हें पीस लेते हैं। तो टिक्कियों को हमने पीस लिया है और इसका ऐसा दरदरा सा पाउडर बना लिया है, और इसका बहुत महीन पाउडर हमें नहीं तैयार करना है, अगर इसमें कोई चंक्स रह जाते हैं तो उसे भी हम बाहर निकाल देंगे। तो अब मैं इसमें मिला दे रही हूँ 1 चम्मच पिसी हुई इलायची, और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। तो जिस कप से हमने सूजी नापी थी उसी कप से नाप करके मैंने पिसी हुई चीनी ली हुई है, तो आप कोई 1 कप मेजर कर लें और उसी से सारा रेशियो आप लें। आप चीनी 2-4 चम्मच ज़्यादा भी कर सकते हैं और 2-4 चम्मच कम भी कर सकते हैं, मीठा बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कैसा मीठा चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चीनी डाल दी है, और साथ ही में हम अपने डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने भून के रखे थे, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन के लिए बचा लिया है। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें हमें और घी लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये घी में ही सेका हुआ है तो घी इसमें कम ही लगता है। तो अगर आप थोड़ा सा हेल्दी लड्डू चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं और इसमें और एक्स्ट्रा घी नहीं डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारा मिक्सचर यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब मैं एक बांध करके लड्डू आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा घी वगैरह इसमें अभी नहीं डाला है और फिर भी ये बहुत ही अच्छे से बंध जा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसे ही इन्हें बांध सकते हैं, पर मैं जो फ्राई पैन में एक्स्ट्रा थोड़ा सा घी बचा हुआ था वो इसमें डाल दूँगी। लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी बचा हुआ है तो वही इतना मैं डाल रही हूँ। अगर आप नहीं चाहते हैं डालना तो आप मत डालिए, ऐसे ही लड्डुओं को बांध के तैयार कर लीजिए। पर ये लड्डू थोड़े खाने में और ज़्यादा अच्छे लगे इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है। तो लगभग कुल मिलाकर के हमने 1.5 से 2 चम्मच घी का पूरे लड्डू में यूज़ किया है। तो मिक्सचर हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है, तो चलिए अब इसके लड्डू बना लेते हैं। तो छोटा छोटा सा पोर्शन मैं अपने हाथ पर ले करके दोनों हाथ से ऐसे घुमाते हुए इसे गोल कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से थोड़ा दबा दबा के हमें इसे गोल करना है, और ये देखिए एक लड्डू हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही इजी है इस लड्डू को बनाना और सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी होते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक लड्डू और बना के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए हाथों पे बस इसे रोल कीजिए और ये तैयार हो गया। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर लूँगी, तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सूजी के लड्डू या कह लीजिए सूजी के चूरमा लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान सी ये मिठाई है बनाने में, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन्हें बनाने में हमें बहुत ज़्यादा बाहर की कोई सामग्री नहीं लगती है, घर के ही कुछ सामान से आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस होली आप भी इसे अपने घर पर बनाकर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स सबको ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर
शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो ऐसी बहुत सारी टेस्टी वीडियो और रेसिपीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। और बहुत सारी रेसिपीज़ के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, वहाँ भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।